नमस्कार, स्वागत है आप सबों का डाइट स्कूल ऑफ बैंकिंग और द फोकस आईएएस में। और आज हम लोग लाइव आने जा रहे हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के टॉप 50 एमसीक्यूज को लेकर। बस थोड़ा सा इंतज़ार और फिर मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छे तिनसुकिया के जाने माने टीचर जो जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर फील्ड है उनको लेकर आऊँगा आपके सामने। बट थोड़ा सा इंतज़ार, फेसबुक की सेटिंग को ओके हम लोग करते हैं एंड देन हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए तो जल्द से जो भी बच्चे हैं वो जुड़ जाए हमारे साथ। और जैसा कि आपको पता है कि असम पुलिस को लेकर हम लोग स्पेशल बैचेस चला रहे हैं। जो भी बच्चे नए हैं, जो बच्चे आज पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि असम पुलिस को लेकर जो हमारा सेशन है उसमें हम लोग ने टेस्ट रखा है 27 तारीख को, 3 तारीख को, 10 तारीख को और 14 तारीख को। तो इसमें आप अधिक से अधिक संख्या में भाग लें, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, कोई इसमें आपको पैसा नहीं लगना है। और देखेंगे कि कैसे हम लोग जो एक इन्वॉल्वमेंट है एग्जाम्स का उसमें कैसे बच्चे एग्जाम देते हैं इसको हम लोग देखेंगे। तो जो भी बच्चे हैं यूट्यूब पे भी जो बच्चे हैं और फेसबुक पे जो बच्चे हैं वो प्लीज़ जल्द से अपने दोस्तों को बुला लें कि हम लोग क्लासेस जो हैं वो शुरू कर सकें। फेसबुक से तो यहाँ नहीं आ रहा सेटिंग। बाद में डेट कर जाएगा ना। चलो जल्दी से आ जाओ बच्चों। जो भी बच्चे लाइव जुड़ गए हैं वो प्लीज़ अपना नाम बता दें कि कौन कौन से आ गए हैं, फिर और बच्चों को मैं बुलाता हूँ। और हमारा ये सेशन फेसबुक से भी लाइव हो रहा है, यूट्यूब से भी लाइव हो रहा है। चलो कौन कौन से बच्चे प्रेजेंट हैं अभी यूट्यूब पे, कौन कौन से बच्चे हैं जल्दी से आ जाओ, से हाय कि मैं जान सकूं और सेशन शुरू कर सकूं। यूट्यूब के जितने भी बच्चे हैं से हाय,
और अगर आप फेसबुक से जुड़े हैं तो प्लीज़ सेशन जो है वो शेयर करें कि अधिक से अधिक बच्चे ज्वाइन कर सके, जुड़ सके। क्योंकि आज हमारे साथ उपस्थित हैं तिनसुकिया के बहुत ही जाने माने कोचिंग सेंटर के ऑनर यूनिक इन्फोटेक के को डायरेक्टर, को फाउंडर बोल सकते हैं, सुजी गुप्ता, जो हमारे साथ हमेशा फेसबुक लाइव पे हमेशा जुड़ते रहते हैं। तो मैं स्वागत करता हूं उनका। सुजी गुप्ता सर, प्लीज़ आइए। और सेशन क्योंकि कंप्यूटर का फील्ड है, कंप्यूटर का एग्ज़ाम है, और आज हमने कंप्यूटर्स क्वेश्चंस सेट किए हैं, तो कैसे हम लोग कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस के थ्रू बच्चों को बेनिफिट दे सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार सभी को, मैं हूँ शिवजी गुप्ता, मैं हूँ को फाउंडर यूनिक आईटी का, जो कंप्यूटर सेंटर है, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर है, और हम वोकेशनल ट्रेनिंग भी करवाते हैं बच्चों को। तो कंप्यूटर के द्वारा जनरली आजकल क्या है, किसी भी फील्ड में कहीं भी आप जॉब लगता है, कहीं भी आपका जॉब लगता है, कहीं भी आप जाते हैं, तो कंप्यूटर का यूज़ ऑलमोस्ट आपको हर फील्ड में दिखता है, हर जगह दिखता है। आपको रिचार्ज करने से लेके प्रिंट निकालने से लेके कुछ आईडी बनाना है, कुछ एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरना है, या फिर कहीं आप जॉब करने जा रहे हैं, कहीं आप किसी पब्लिक जो प्राइवेट जॉब हो, प्राइवेट कंपनी में जॉब हो, या किसी पब्लिक कंपनी में जॉब हो, या फिर सरकारी नौकरी जिसे कहते हैं हम, उन सब जॉब्स के लिए भी आपको मिनिमम जो है आपको कंप्यूटर अवेयरनेस का आपको जानकारी है, उसके लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए। और वो सर्टिफिकेट जो है कोई भी एजेंसी है, कोई भी रिक्वायरमेंट कोई भी कंपनी कर रहा है, वो आपसे क्या मांगता है, मिनिमम 6 महीने का आपको एक डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट आपसे मांगेगा। तो वो भी जितने भी जॉब में जरूरी जो जितने भी जॉब रिलेटेड जो है हमारे पास कोर्सेस जो आपको किसी भी जॉब में काम आ सकते हैं, वो सारे कोर्सेस हम करवाते हैं। मान लीजिए वो 6 महीने का कोर्स हो, वो 1 साल का कोर्स हो, या फिर आप कुछ कहीं आप किसी प्राइवेट फर्म में काम करना चाहते हैं, कुछ अकाउंट का काम करना चाहते हैं, तो हम टैली भी सिखाते हैं। तो ये सब सारे कोर्सेस हम करवाते हैं, और ये सब कोर्सेस कर लेने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि आप कहीं भी जल्दी एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपने कंप्यूटर कोर्स कर रखा है। और आगे समीर सर हमें बताएंगे कि उन्हें भी पता है कि कंप्यूटर का क्या यूज़ है, वो भी आपको कुछ बताना चाहते हैं। यस 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 यस। देखिए क्या है, आप कोई भी जॉब लेंगे तो उसके लिए कंप्यूटर का यूज़ बहुत अधिक है। कुछ बच्चों जो बच्चे फेसबुक हैं, यूट्यूब पे भी हैं, सभी जो है, हम लोग आगे फिर इस बारे में बात करते हैं सर, शुरुआत करते हैं, चूँकि बहुत समय हो गया सेटिंग फर्स्ट टाइम किया हम लोगों ने। और अच्छी बात है कि आज सर के आने के कारण 3 आईडी से हम लोग लाइव कर रहे हैं। हम लोग का ये ध्येय है कि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचा जाए, और उसी लिए हम लोगों ने 3 आईडी से इसको लाइव किया था। ये शुरुआत करते हैं सर, आज का पहला सवाल। ओके सर जी, सो आज का पहला सवाल आप जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए, आंसर दीजिए, और शेयर भी करते रहिए। सो आज का पहला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का इसमें से कौन सा, या फिर इसमें से बहुत सारा भी हो सकता है, कौन सा इसमें से कैरेक्टरिस्टिक है आप बताइए। जल्दी से आंसर लिखिए, कमेंट में टाइप कीजिए। यस, ऑप्शंस है डिलिजेंस, वर्सलिटी, रिलायबिलिटी एंड ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। जल्दी, यूट्यूब पे भी जो बच्चे हैं और जो बच्चे फेसबुक पे हैं, लाशिद, गुड इवनिंग समर, चलो और शेयर भी कीजिए प्लीज़, और सभी ग्रुप्स में जो जी अपने डाइट्स के ग्रुप है ना, सभी ग्रुप्स में प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, तो क्या होगा और अच्छा रहेगा। जल्दी से आंसर दीजिए। यूट्यूब चैट बॉक्स पे शायद आंसर नहीं आ रहा क्या, एक बार वहाँ डालेंगे।
ओके अब आएगा शायद। चलिए, ऑल ऑफ द अबव अनन्या सिंह कैंसर है, लाशित कैंसर भी ऑल ऑफ द अबव है, संता सरकार कैंसर भी ऑल ऑफ द अबव है। डिलीजेंस वर्सलिटी रियलेबिलिटी एंड ऑल ऑफ द अबव, सर सही जवाब, सर सही जवाब। देखिए अगर आप ऑप्शन से देखते हैं तो वर्सलिटी जो है हमारा, जो हम कंप्यूटर से कोई भी काम करवा सकते हैं, रिलायबिलिटी है यानी हम कंप्यूटर पर रिलायबल रह सकते हैं, कोई भी चीज़ हम कोई भी डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, या फिर डिलीजेंस हो गया जो बिना रुके आपको बिना धोखा दिए काम करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो सही आंसर ऑल ऑफ द अबव, सभी बच्चों का सही जवाब है। ओके सर अगला सवाल जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉल्टी इनपुट लीड टू फॉल्टी रिजल्ट्स, इट इज़ नॉन इज, यानी जो अगर आपने गलत इनपुट दिया तो आपको गलत आउटपुट मिलेगा, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, डिलीजेंस वर्सेटिलिटी गीगो या नॉन ऑफ द अबव। जल्दी से सर बताइए, आंसर आ गया गीगो। गीगो सर, गीगो क्या होता है सर, फिर बताएंगे सर बच्चों को। गीगो सर ये क्वेश्चन ऑलरेडी इसमें है तो हम क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं एक बार। चलिए बताइए गीगो क्या होता है। गार्बेज इन गार्बेज आउट, गेटवे इन गेटवे आउट, गोफर इन गोफर आउट, जियोग्राफिक इन जियोग्राफिक आउट, इसमें से कौन सा होगा गीगो, जल्दी से आंसर दीजिएगा। एक बार YouTube पे प्लीज सभी को एक बार हाई करेंगे तो मुझे लग रहा है कि YouTube पे आप चैट नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार YouTube पे हाई करेंगे प्लीज। गीगो स्टैंड फॉर गार्बेज इन गार्बेज आउट, गेटवे इन गेटवे आउट, गोफर इन गोफर आउट एंड जियोग्राफिक इन जियोग्राफिक आउट। जी नंबर वन गार्बेज इन गार्बेज आउट, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का, बहुत से बच्चों ने सही जवाब दिया है यहाँ सर, आपके बहुत सारे बच्चे जो है सही जवाब दे रहे हैं सर, जी डाइट के बच्चे अच्छे हैं, जी 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 पढ़ते हैं जी, बहुत अच्छा, और बिल्कुल सही जवाब है कि आप कहीं कचरा डालेंगे तो कचरा ही बाहर आएगा। यस, जी यस, तो गार्बेज इन गार्बेज आउट। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटी टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क समटेनियसली इज टर्म एज, यानी एक साथ बहुत सारे टास्क अगर कोई कर सकता है तो उसको हम क्या कहेंगे। प्लीज शेयर भी कीजिएगा सेशन को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि शेयर कीजिएगा तो और बच्चे भी जुड़ सकेंगे, और जो हमारा मुहिम है कि आसाम के बच्चों को थोड़ा सा नॉलेज में बूस्ट किया जाए वो मुहिम पूरा हो सकेगा। The capacity to perform multiple tasks simultaneously is termed as diligence, versatility, reliability, all of the above. जल्दी से बताइए इसका आंसर। करण के आंसर बी आ रहा है। करण एक बार YouTube पे कुछ देखो तो बेटा, YouTube पे जवाब नहीं आ रहा है, कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम है क्या, YouTube पे एक बार जवाब दो तो आप एक बार। चलिए आंसर क्या है इसका, जी इसका आंसर क्या होगा, अगर एक साथ कोई बहुत सारे काम कर सकता है यानी हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं कि वो क्या है, बहुत वर्सेटाइल है, यानी वो एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है, तो ठीक उसी तरह से कंप्यूटर भी एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है, तो इसका सही जवाब होगा कि वो क्या है, वर्सेटाइल है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए कंप्यूटर डज नॉट सफर फ्रॉम टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कहेंगे वर्सेटाइल कहेंगे या गीगो कहेंगे या नॉन ऑफ द अबव, इसमें से कौन सा होगा,
जल्दी से जवाब दीजिएगा। ओके, एक बार यूट्यूब को देख लेते हैं क्या है। यूट्यूब में सर जवाब नहीं आ रहा है। यूट्यूब में सर कुछ मेंबर ओनली हो गया है सेटिंग। ओके, सेटिंग्स ओनली मेंबर ओनली हो गया ना। हाँ, इसको आपको शायद रीस्टार्ट करना होगा। चलिए कोई बात नहीं सर, क्लास के बाद इसको ठीक कर लेंगे। फेसबुक पे आप जवाब दे, कोई दिक्कत नहीं है जी। एक साथ अगर कोई बहुत सारे काम करता है तो उसे वर्सेटाइल कहेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन था कि अगर किसी का कंसंट्रेशन भंग नहीं हो रहा है और साथ ही साथ वो टायर्ड नहीं हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, तो इसका जवाब जल्दी से दीजिए। सिर्फ 2-3 बच्चों का ही जवाब आया सर अभी तक, और शेयर भी नहीं हो रहा है जल्दी सर। शेयर तो मुझे ही करना पड़ेगा सर। ओके, देखिए क्या है, सर है, सर को सपोर्ट कीजिए आप लोग। जल्दी से आंसर इसका दीजिए, क्या है। ओके, तो मृगांक का आंसर आया है, शांता सरकार का डिलीजेंस आ रहा है, अनन्या सिंह डिलीजेंस आ रहा है। तो आई थिंक सर डिलीजेंस इज राइट आंसर। यस ओके, तो डिलीजेंस इज राइट आंसर। करण शेयर करो सेशन को। चलो अगला सवाल सर, आंसर चला रहा है, बहुत सॉफ्ट है। ओके कोई बात नहीं, आइए क्वेश्चन है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वेयर बेस्ड ऑन आईसी वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर्स नन ऑफ द अबव। जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर था वो किस पे बेस है, आईसी पे, वैक्यूम ट्यूब पे, ट्रांजिस्टर्स पे, नन ऑफ द अबव पे। ओके, यूट्यूब में कमेंट का ऑप्शन है, ठीक है आप लोग फेसबुक पे जवाब दो, मैं यूट्यूब पे फिर कोशिश करता हूँ इसको ओके करने का। जी बताइए सेकेंड जनरेशन में कौन सा था। आंसर आया सर जी, क्या आया, ट्रांजिस्टर जी। नेक्स्ट और कोई जवाब दीजिए जल्दी। जल्दी से जवाब, इसका जवाब क्या होगा, सेकेंड जनरेशन किसके ऊपर बेस्ड था। सो बच्चों के आंसर आ रहा है ट्रांजिस्टर, नागेंद्र साहब ट्रांजिस्टर, ओके अनन्या सिंह ट्रांजिस्टर। तो सही आंसर सर, सही आंसर सर जी, बिल्कुल ट्रांजिस्टर ही सही उत्तर है। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल क्या है। FLOPS का फुल फॉर्म क्या है, FLOPS का फुल फॉर्म, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, फाइल प्रोसेसिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड, फ्लोटिंग प्रोसेसिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड एंड फाइल लोडिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड। फ्लॉप का फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फ्लॉप। फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस पर सेकेंड, फाइल प्रोसेसिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड, फ्लोटिंग प्रोसेसिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड एंड फाइल लोडिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड। तो जल्दी से बताइए फ्लॉप का फुल फॉर्म। रजत शर्मा आंसर डी आया है, फाइल लोडिंग ऑपरेशंस पर सेकंड। और बच्चों का फ्लोटिंग पॉइंट ए है, मृगांक का आंसर ए, मृगांक का आंसर ए है, अनन्या सिंह ए, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। ओके, सेशन शेयर कीजिए प्लीज। देखिए सेशन शेयर नहीं हो रहा है, और सेशन शेयर नहीं कीजिएगा तो मज़ा नहीं आएगा। चलिए ए, तो सभी का आंसर लगभग ए आ रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। देखते हैं सही जवाब क्या है। बिल्कुल सही जवाब है ए, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड इज द राइट आंसर। ओके वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या है, Which language was used to program second generation's computer? Second generation computer को program करने के लिए किस generation का use हुआ था? Options है binary coded language, assembly language, machine language, none of the above.
जल्दी विच लैंग्वेज वॉज यूज टू प्रोग्राम सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, बाइनरी कोडेड लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, नन ऑफ द अबव? आंसर दो आंसर, ब्लेजर में अच्छे नहीं लग रहे हैं, समझा? चलो वेरी गुड, थैंक यू, 104 शेयर्स हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा आप लोग दिल खोल के शेयर करो तो अच्छे अच्छे बच्चे जुड़ेंगे। हाँ बताइए, करण गिरी का आंसर सर ए आया है, बाइनरी कोडेड लैंग्वेज। अभिषेक राय का आंसर डी आया है, नॉन ऑफ द अबव। हाँ रश्मि, कुछ भी नहीं होगा ऐसा तो नहीं है, नॉन ऑफ द अबव। अच्छा रश्मि दत्ता का आंसर है यस, करण का आंसर ए है। मृगांक का आंसर सर असेंबली लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज। हाँ सेकंड जनरेशन, एक बार ध्यान दीजिए, थोड़ा थोड़ा याद करने का कोशिश कीजिए। आप लोगों ने थोड़े दिन पहले ही क्लास किया होगा कंप्यूटर अवेयरनेस का, और एक क्लास हुआ था सर। बिल्कुल जी, जी बहुत, एक क्लास एक नहीं बहुत सारे, हाँ ऑल इंडिया के टाइम में जी। हाँ तो सेकेंड जनरेशन का क्या है, एक बार बी आंसर आ रहा है असेंबली लैंग्वेज। और थोड़ा ट्राई कीजिए, और थोड़ा ट्राई कीजिए, थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए क्या होगा आंसर, सेकंड जनरेशन के टाइम में क्या था क्या नहीं था। चलिए सर बताइए जी, थोड़ा सा। हाँ जी चलिए देखते हैं आंसर। तो इसका सही आंसर है असेंबली लैंग्वेज यानी बी। तो जिन जिन ने बी आंसर दिया है उनका जवाब बिल्कुल सही जी। बच्चे अच्छे हैं जी, जी जी सर बहुत अच्छे हैं जी, बच्चे हैं। हाँ और जवाब ये सही देते हैं जी जी। ओके अगला सवाल लिखते हैं क्या है, इट्स EDSSC स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिले सीरियल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर इस डैक। बड़ा ही क्लोज ऑप्शन है, बड़ा ही क्लोज ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा और आंसर बताइए। इस डैक, इट्स सैक जी, इट्स सैक। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन दे रहा है यहाँ पे, ESAC स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिले सीरियल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अच्छा पिछले वाले का, इसलिए जब आप जवाब लिखते हैं तो आप जवाब का थोड़ा सा पार्ट भी लिख दीजिए, चाहे तो पूरा आंसर भी लिख सकते हैं। जी जी अनन्या सिंह का आंसर भी ए आ रहा है। चलिए और काफी क्लोज है सारे ऑप्शंस, रश्मि दत्ता का आंसर भी ए आया है। शेयर रुक गया सर, नहीं नहीं शेयर बच्चे शेयर करते हैं, बच्चों शेयर करके दिखाओ कितना होगा। आज मैं नहीं हूँ। हाँ नहीं है, आप आप तो आप जी शेयर करते हैं। हाँ दो शेयर हुए हैं। चलिए सर ए आंसर आ रहा है, सही आंसर बताते हैं। सही उत्तर जी सर, सही आंसर देखिए जी बिल्कुल ए जो है सही आंसर है।
इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर जी। अगला सवाल लिखते हैं क्या है? इंस्ट्रक्शन एंड डेटा कैन बी स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑटोमेटिकली डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ ऑपरेशन, इट इज कॉल्ड डैश कॉन्सेप्ट। यानी हम कुछ इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के मेमोरी में जो है और कुछ डायरेक्शन कंप्यूटर को दे सकते हैं ताकि वो ऑटोमेटिक काम करे, कुछ काम को वो ऑटोमेटिकली करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्या कॉन्सेप्ट कहेंगे? ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग कहेंगे या स्टोर्ड प्रोग्राम कहेंगे या फिर ए भी दोनों हैं या फिर इनमें से कोई भी नहीं? ये तो मुझे लग रहा है कि किसी एग्ज़ाम का सवाल है सर, क्योंकि ऐसे ऑप्शंस एग्ज़ाम्स में नहीं आते हैं जी, होना तो चाहिए कोई एक ही आंसर। अब देखते हैं बच्चों का क्या आंसर आ रहा है, देख लेते हैं सर। इंस्ट्रक्शंस एंड द डेटा कैन बी स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑटोमेटिकली डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ ऑपरेशंस, इट इज कॉल्ड डैश कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग, स्टोर्ड प्रोग्राम, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। जल्दी जल्दी 50 क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट चलिए आप लोग। ए ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग, बी स्टोर्ड प्रोग्राम, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव, कौन सा है आंसर? बच्चे अच्छे हैं, जवाब देते हैं थोड़ा देर कर देते हैं सर। जी 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 जी, और कभी कभी नेटवर्क भी धोखा देता है। हाँ नेटवर्क, हाँ, आज थोड़ा सा मौसम, हाँ, भी बेईमान जी जी है। तो बेईमान मौसम में नेटवर्क भी बेईमान हो गया था। आज का टाइटल होना चाहिए था कौन कितने पानी में सर। हाँ, जियो। हाँ सर, बी आंसर आ रहा है, ए एंड बी। ओके, ए एंड बी आ रहा है आंसर। अच्छा, और किसी का आंसर कुछ? शंता सरकार, अनन्या सिंह, रश्मि दत्ता, लगभग सर सभी बच्चों का ए एंड बी ही आंसर आ रहा है। ठीक है, मृगांक ने आंसर नहीं दिया अभी तक, अभय सिंह ने भी आंसर नहीं दिया। ओके, तो सर देखते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर क्या है? सिर्फ बी, स्टोर्ड प्रोग्राम। स्टोर्ड प्रोग्राम, देखिए मैं जी, आप बिल्कुल सही थे सर, सिर्फ एक ही सही आंसर होगा। क्यों जी, सही आंसर है। देखिए यहां पे एक सिंगल कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इट इज कॉल्ड, तो ए एंड बी तो होगा ही नहीं, इतना तो इंग्लिश मुझे आता है। अनन्या सिंह, यहाँ इज है तो बेटा बोथ ए एंड बी कहां से होगा? अरे जरूरत नहीं है कंप्यूटर नॉलेज का। ठीक है, स्टोर प्रोग्राम ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना? या देखो अमेरिकन कैंसर में भी। अच्छा ठीक है, ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखो जी जी, नेक्स्ट जी, अभी स्टोर प्रोग्राम के बारे में हमने बात किया, अब बताइए कि स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट को किसने डेवलप किया था? मॉरिस वाइट्स, वॉन न्यूमैन, एम एच ए न्यूमैन या नन ऑफ द अबव? स्टोर प्रोग्राम्स कॉन्सेप्ट वाज डेवलप बाय मॉरिस वाइट्स, वॉन न्यूमैन, एम एच ए न्यूमैन एंड नन ऑफ द अबव। प्लीज शेयर कीजिए सेशन, देखिए शेयर नहीं हो रहा है तो मजा नहीं आता है। सेशन शेयर होता है ना, जब 250-300 शेयर होता है तब लगता है कि हाँ मेहनत हुआ है, और आज सर ने मेहनत की है। आज के सारे क्वेश्चन जो हैं वो सर ने दिए हैं, बेसिकली इनका सेंटर है यूनिक इन्फोटेक करके, हमारे साथ उनका टाइप है, डाइट में हम लोग टाइप करके रखे हुए हैं। सर का अपना सेंटर भी है, हमारे साथ भी टाइप है और मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के सारे क्वेश्चन सर ने सेट किए हैं और इसलिए सर खुद यहाँ अवेलेबल हैं। ठीक, तो अब आपको जवाब देना है जल्दी से कि स्टोर्ड प्रोग्राम जो है वो कॉन्सेप्ट किसके द्वारा डेवलप किया गया था? मॉरिस वाइट्स, वॉन न्यूमैन, एम एच ए न्यूमैन एंड नन ऑफ द अबव। जी, संता सरकार का आंसर आया वॉन न्यूमैन, बी वॉन न्यूमैन, मृगांका जी का आंसर आया। सर लग रहा है कि सही आंसर है। जी लग रहा है, क्योंकि मे बी अगर नहीं लिखा मृगांको, हाँ, लगता है कि मृगांको का आंसर जो है लगभग सही आता है, मे बी नहीं लिखा है मतलब सही होगा जी। ओके, दिस इज राइट आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड। नन ह्यूमन, सॉरी वन ह्यूमन इज अ राइट आंसर जी। अगला सवाल देखते हैं क्या है? जी जी, इनफैक्ट जो है
अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, इसके बारे रिलेटेड ही क्वेश्चन था जी, वो किसने डिज़ाइन किया था? कॉन्सेप्ट किया ना, डिजाइन डैश कॉन्सेप्ट, किस कॉन्सेप्ट पे डिजाइन हुआ था? सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इडवैक वाज डिजाइन ऑन विच कॉन्सेप्ट? ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग, स्टोर्ड प्रोग्राम, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। रश्मि दत्ता का आंसर बी, और बच्चों का आंसर? अब ग्रामर के चक्कर में फंस जाएंगे। अभी लोचा आ जाएगा ग्रामर के चक्कर में। आज लेकिन YouTube पे पिक्चर क्वालिटी अच्छा है, देखें सर जी। हाँ, लेकिन YouTube में क्या कुछ हो गया है मुझसे, देखो मैं ना उतना सोशल मीडिया के साथ नहीं हूँ, इसीलिए थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो जाता है। जल्दी, इडवैक वाज डिजाइंड ऑन डैश कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग, स्टोर प्रोग्राम। जवाब 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 दीजिए। शायद बच्चों को इसका आंसर नहीं पता, बताते हैं इसका आंसर। ओके, ये सॉर्टेड होना चाहिए, अब होना चाहिए वाली बात आ गई। स्टोर्ड 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 होना चाहिए, स्टोर्ड प्रोग्राम्स लॉजिकली। चलिए लॉजिकली बात करते हैं तो देखते हैं सही आंसर बिल्कुल सही है, स्टोर्ड प्रोग्राम। अच्छा, इज राइट आंसर। ओके, तो लॉजिक भी सही है, मरियांग को बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल देखते हैं क्या है। आईसी इज मेड अप ऑफ जी, प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, नन ऑफ दिस। आईसी इज मेड अप ऑफ, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड सर जी, इंटीग्रेटेड चिप्स के बारे में बात की जा रही है। तो आईसी किससे बना है जी? आईसी इज मेड अप ऑफ माइक्रोप्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर्स, नन ऑफ द अबव। आप देख रहे हैं सर ने कितने अच्छे से एक एक करके ऑप्शन आ रहा है, मैं सीधा दे देता हूँ भाई। इसी तरह कंप्यूटर टीचर नहीं है ना सर जी? सर वो तो आपका बराबर है। चलिए, आईसी इज मेड अप ऑफ माइक्रोप्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, नन ऑफ द अबव। ये कॉमन सवाल है, इजी क्वेश्चन है, ये लगभग एग्जाम में आता है। IC is made up of microprocessor, vacuum tube, transistor, none of the above. Nota. Nota, it's silicon. Silicon. चलिए और बच्चों का आंसर, और बच्चों का आंसर। रश्मि दत्ता का आंसर वैक्यूम ट्यूब आ रहा है, कोई ट्रांजिस्टर भी बोल दे तो अच्छा होगा। दो ऑप्शंस आ चुके हैं हम लोगों के पास जी। क्या हुआ भाई रजत चिरमे दत्ता? सी आ गया, ट्रांजिस्टर भी आ गया सर, सर्वनाम में एक माइक्रोप्रोसेसर भी आ गया सर। हाँ, जी चारों ऑप्शन आ गए। चलिए सही जवाब, आईसी इज मेड अप ऑफ जी, तो द राइट आंसर इज ट्रांजिस्टर। ओके, तो चिन्मय का आंसर सही है, चिन्मय दत्ता बिल्कुल सही जवाब है आपका, ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर इज राइट आंसर। और एक चिन्मय का, अरे चलो चिन्मय का आंसर गलती हो गया, कोई बात नहीं, नो नो कर दिया, शेयर करो प्लीज। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, नॉट कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर की बात हो रही है, जनरेशन वन की बात नहीं हो रही है। रिचा का आंसर सिलिकॉन। चलिए ध्रुव ज्योति दास डी सब नॉन ऑफ द अबव कह रहे हैं सर, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर बताइए। आपको एक हिंट देते हैं, अगर आपने इमिटेशन गेम देखा होगा जो मूवी है, तो आपको पता चल जाएगा कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है। इमिटेशन, इमिटेशन गेम जी सर, वर्ल्ड वॉर के टाइम का जो बेस है उसके ऊपर स्टोरी, उसमें हीरो है हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज। देखिए सर ने आपको हिंट दे दिया,
हाय धनंजय, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। आज नेट बहुत ही बेईमान है। आपके सामने दो दो टीचर्स हैं और नेट मुझे लग रहा है कि दोनों टीचर का भार नहीं सह पा रहा है। चलिए, तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज, एलन ट्यूरिंग, टेड हॉफ, नन ऑफ द अबव। इतलुजा है सर, सिस्टम में कुछ लुचा आया। चलो, नेट बहुत स्लो है सर। बी आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, एलन ट्यूरिंग। ओके, सो सही उत्तर है जी, एलन, बिल्कुल सही, एलन ट्यूरिंग जी। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए हाइब्रिड कंप्यूटर इज द वन हैविंग कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ। हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहेंगे, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होगा वो देखिए। तो माइक्रो और मिनी कंप्यूटर का दोनों का कंबाइंड प्रॉपर्टी अगर है तो उसे क्या हाइब्रिड कंप्यूटर कहेंगे, या फिर मिनी एंड सुपर कंप्यूटर अगर है, या फिर मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर है, या फिर एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। सो चार ऑप्शन आपके पास है, इनमें से किसको कंबाइन करेंगे तो वो हाइब्रिड बन जाएगा। यूट्यूब पे अच्छा है, यूट्यूब पे अच्छा रहा है, लेकिन फेसबुक पे नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा। इसमें रिफ्रेश हो जाएगी नहीं, काम करते हैं इसको।